देर से पंगा लिया ना तू साले, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे। तेरी मौत देखकर शैतान की भी रूह कांप उठेगी। शैतान सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना शैतान? को मारा ना, अब देख उसके बाद दिनेश ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वीरप्पन और उसके आदमियों ने उसे पकड़ लिया। दिनेश का फेस ऐसे स्मैश किया सर कि नेक के ऊपर कुछ भी नहीं बचा सर। दिनेश की बॉडी मैं भी नहीं देख पाया सर, पता नहीं उसकी वाइफ कैसे देखेगी। सर पूरी फोर्स का मोरल बहुत डाउन है सर। मिनिस्टर और मीडिया के लोग बार बार पूछ रहे हैं वीरप्पन कब मिलेगा। हमारे पास फोर्सेस ज्यादा है, वेपन ज्यादा है, पावर ज्यादा है, फैसिलिटी ज्यादा है। वो मरने वाले भी हमारे साथ हैं। दिनेश के साथ सिर्फ एक महीने में हमारे 7 ऑफिसर्स मार दिए वीरप्पन ने। घिन आ रही है मुझे अपने आप पे सर। कल हमें ज्वाइन करने के लिए एक और ग्रुप आ रहा है। नहीं नहीं ग्रुप बढ़ा के क्या होगा सर, चीटी को पकड़ने के लिए भीड़ बढ़ा के क्या मिलेगा। आई अंडरस्टैंड, लेकिन इन हालात में हम क्या कर सकते हैं। मैं कल हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, न्यू ग्रुप को तुम्हें ब्रीफ करना पड़ेगा। ओके सर। आई एम श्योर तुम सबकी फिटनेस एक्सेलेंट है, शूटिंग परफेक्ट, असॉल्ट वेपन ट्रेनिंग भी फैंटास्टिक, लेकिन ये सब कुछ बेकार है उस वीरप्पन के आगे जो सिर्फ चप्पल पहन के घूमता और पुराने जमाने की 303 राइफल लेकर 15-20 आदमियों के साथ चलता है। तो अगर वो इतना ही सिंपल क्रिमिनल, फिर हमारा इतना पूरा डिपार्टमेंट पिछले 20 साल से उसे क्यों नहीं ढूंढ पाया। मैं पिछले साल यहाँ आया और तुम सब आ जाए, ऑफिसर्स आएंगे और जाएंगे, मारे जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे, कुछ परमानेंटली इंजर्ड होंगे, लेकिन ऑफिसर्स के आने जाने का या फोर्स बढ़ाने का वीरप्पन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको अब तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस और स्टडी ये कहता कि वीरप्पन जैसा ना कोई था और ना कोई हो सकता है। शायद तुम में से कुछ लोग वीरप्पन के बारे में जानते हो, बट मैं अपनी तरफ से तुमको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वीरप्पन बचपन में जंगल की एक चेक पोस्ट पर फॉरेस्ट गार्ड को चाय सप्लाई करता था। उन फॉरेस्ट गार्ड्स ने खुद उसे बंदूक चलाना सिखाया। गार्ड्स के कहने पर वीरप्पन जंगल में जाता और हाथी वगैरह जानवरों का शिकार करता था। फिर हाथियों के दांत और बाकी जानवरों से जो भी मिलता था
उसके लिए वो गार्ड्स वीरप्पन को 100-200 रुपए देते थे और खुद हजारों में कमाते थे। जैसे जैसे वाइल्ड लाइफ लॉज सख्त होते गए, गार्ड्स को ही अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस बंद करनी पड़ी। जब एक फॉरेस्ट गार्ड ने खुद वीरप्पन को रोकने की कोशिश की, पहली बार वीरप्पन खूनी बन गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपने 2 कांस्टेबल वीरप्पन को पकड़ने के लिए भेजे। वीरप्पन ने जैसे ही पुलिस को देखा, जंगल में भाग गया। पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि सिविलियन एरियाज में कैसे क्रिमिनल को पकड़े, लेकिन जंगल के अंदर कैसे पकड़ना है इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को खाली हाथ वापस आना पड़ा। गांव के लड़कों ने जब ये देखा कि पुलिस वीरप्पन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो वो वीरप्पन को हीरो मानने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वीरप्पन जानवरों पे भी राज करने लगे। चमक रहो, भड़क रहो, लड़क रहो। उसके पीछे उसके बचपन के कई दोस्त उसके गैंग मेंबर बनकर घूमने लगे। देखते ही देखते वीरप्पन और उसके गैंग मेंबर्स ने जंगल में लकड़ी के ट्रेडर्स और खदान मालिकों से एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया। और जब उन लोगों से पुलिस को बहुत सारी शिकायतें मिलने लगी, तभी पुलिस ने पहली बार वीरप्पन को सीरियसली लिया और एक बड़ी टीम बनाकर उसे पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही पुलिस उसके पीछे आई, वो अपने पूरे गैंग के साथ जंगल के अंदर तमिलनाडु बॉर्डर पार करके कर्नाटका में चला गया और जुरिस्डिक्शन की वजह से पुलिस उसका पीछा नहीं कर पाई। वीरप्पन ने कर्नाटका में भी अपनी क्रिमिनल प्रैक्टिसेस शुरू कर दी थी। और जब कर्नाटका पुलिस उसे पकड़ने आती, वो वापस भागकर तमिलनाडु चला जाता। स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स का वीरप्पन ने खूब फायदा उठाया और उसका गैंग बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा बन गया। आखिरकार दोनों स्टेट्स को ये समझ में आया कि वीरप्पन से लड़ने के लिए दोनों स्टेट्स को एक साथ आना पड़ेगा और उन्होंने मिलकर एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स ने अपने पहली साल में वीरप्पन के करीब 80% गैंग का सफाया कर दिया। अब वीरप्पन को इस बात का एहसास हुआ कि एक बड़े गैंग के साथ रहना उसकी एक गलती थी, क्योंकि बड़ी गैंग आसानी से दिख जाती थी, इसलिए उसने अपना गैंग छोटा कर दिया। पुलिस को अभी ये भी प्रॉब्लम थी कि अगर वो बड़ी टीम के साथ जंगल में जाती
तो आवाज और शोर शराबा होता, जिससे वीरप्पन को तुरंत पता चल जाता। और अगर वो पुलिस छोटी टीम के साथ जाती तो वीरप्पन उन पर अटैक कर देता और उन्हें मार देता। इसके अलावा वीरप्पन खुद अपने ठिकानों के बारे में झूठी इंफॉर्मेशन लीक करता था, ताकि पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए यहां वहां भटक भटक कर पूरी तरह थक जाए। वीरप्पन गांव वालों को भी कभी कभी पैसे देता था, इसलिए कि वो बदले में उसे कुछ इंफॉर्मेशन दे। इस बीच मीडिया ने वीरप्पन के बारे में लिख लिख के उसे इतना बड़ा आदमी बना दिया कि वीरप्पन को अपनी पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी देखकर मजा आने लगा। बहुत से लोगों को वो सिर्फ इसलिए मारता था कि ताकि वो हमेशा सुर्खियों में बना रहे। हिम्मत ना हारे, साथी को हराए, डर को भी हम तो डरा के भगाए। हिम्मत ना हारे, साथी को हराए, डर को भी हम तो डरा के भगाए। बंदूक दुश्मन की मांगे रे पानी, मुच्छी से गोली चले जो धाए धाए। चलत रहो, बढ़त रहो, लड़त रहो, चलत रहो, बढ़त रहो, लड़त रहो, चलत रहो, बढ़त रहो, लड़त रहो। जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस के फेलियर को लेकर हेडक्वार्टर जब जब भी नाखुश होता, पुलिस प्रेशर में आकर गांव वालों के साथ बुरी तरह मारपीट करती ताकि वो वीरप्पन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे। इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस वाले और गांव वालों के बीच दूरियां बढ़ती गई और इसका फायदा भी वीरप्पन को मिलता गया। सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में तालमेल ना होने के कारण वीरप्पन यहां पिछले 20 साल से बिना किसी डर के राज कर रहा है और आज भी उसकी हैसियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब तो वो अपने आप को एक बादशाह समझने लगा। उत्तर से दक्षिण है अपना इलाका, जंगल के राजा है किस्मत के आका। आ जाए टकराए जिसमें हो जिगरा, मुच्छी का हो रब न पाका। इन सब के बीच हमारा सबसे बड़ा डर ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीरप्पन LTTE टेररिस्ट। मुझे एक बात समझनी है, जर्नलिस्ट्स, गन रनर्स, उसके मैसेजेस लाने वाले सब वीरप्पन से मिलकर आ जाते हैं और सिर्फ पुलिस को वीरप्पन के बारे में कुछ नहीं पता। हाउ इज दैट पॉसिबल सर? बाकी सब उससे मिल सकते हैं क्योंकि वो उनसे मिलना चाहता है एंड ऑब्वियसली वो पुलिस से मिलना नहीं चाहता और वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलता। पहले वो मैसेज भेजेगा कि वो मिलना चाहता है, फिर उसे उसके कॉन्टैक्ट को जंगल के बाहर मिलना पड़ता है ताकि वीरप्पन के कॉन्टैक्ट को तसल्ली हो जाए। जंगल के अंदर आने वाले आदमी पर वीरप्पन के एक गैंग मेंबर की नज़र रहती है और जब वो ये देखता है कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, तभी उसे वीरप्पन के पास लेकर जाता है, वरना मीटिंग कैंसिल। और यही वजह है कि उसके कॉन्टैक्ट कौन है ये जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। इस समय
जंगल में हमारी तरह 7 कोर टीम है जो किसी न किसी तरह वीरप्पन को पकड़ने में जुटी हुई। शायद वीरप्पन बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा या फिर कभी नहीं। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन? कुछ साल पहले उसकी शादी हो गई और उसकी वाइफ मधुलक्ष्मी के साथ वो जंगल में रहता। इस महल में रह के पक गई हूँ। कब से कह रही हूँ जंगल को आते हैं तो नहीं। शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है जंगल में अपने पति के साथ घूमे फिरे, ये बड़े बड़े मच्छर उसका खून चूसे, न रात को नींद आए न दिन को चैन। पर इनको मेरी परवाही कहाँ जो मेरी बात समझे। कल ही तो कहा था साड़ी में अभी सिर्फ 19 छेद है, जब 20-25 हो जाए तब ले आना नई साड़ियाँ। पर नहीं, उठा के ले आए 101 साड़ियाँ। अब बाकी के पहना नहीं नमूनों को। अब बताओगे भी कितना तीखा चाहिए? जितना मैं होगा क्या? उसके ऊपर एक भी केस नहीं है, सो मुझे नहीं लगता कि वो वीरप्पन के बारे में कुछ भी बता पाएगी। और वीरप्पन ने अभी तक तो जगह भी बदल ली होगी। एक्चुअली हम लोग इतने सालों से जंगल के अंदर भटकते भटकते बुरी तरह से थक गए, अब बस कुछ मिरेकल हो जाए और वीरप्पन जंगल से खुद ब खुद बाहर आए तो हम उसे पकड़ लें। अरे मेरे पास एक बहुत गजब का आइडिया आया, क्यों ना तो उसे अपने बर्थडे पार्टी पे इन्वाइट करें। केक खाने तो आ ही जाएगा, वहां पे पकड़ लेना, सिंपल। क्या कहा तूने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसे इस जंगल से बाहर कैसे निकाल पाओगे? शायद ना भी निकाल पाऊं, पर इस एक सोच से हमारी स्ट्रेटेजी बदल सकती है। आज तक हमारे इतने सारे ऑफिसर्स वीरप्पन को जंगल से बाहर निकालने की कोशिश में फेल हो गए, तो क्यों ना हम स्ट्रेटेजी बदल कर देखें। हम लिस्ट सर, वीरप्पन की बीवी मधुलक्ष्मी टास्क फोर्स टीम बी को मिली है। वो लोग उसे इंटरोगेट कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी पर डायरेक्ट कोई केस नहीं है। इनफैक्ट बिना एंट्री के उसको डिटेन किया हुआ है। इन्फॉर्मेशन भी अब तक नहीं निकली और ना निकलेगी। लेकिन सर, अगर आप प्रेशर डाल के मधुलक्ष्मी को छुड़ा लें तो मेरे पास एक प्लान है। साला मेरी लक्ष्मी को उठा के लेके गए पुलिस के कुत्ते, क्या क्या करते होंगे उसके साथ। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये? खबर मिल गई है उनको, खबर। कर का बेदी लंका डाए, मैं नहीं कहता, ये रामायण में लिखा है। तो फिर मेरे घर का बेदी कौन? कौन? ए चिनू, तू भी विभीषण है क्या? बोल। तू है क्या वो खबरी? फिर तो तू ही बचा। कोई साला मानने को तैयार नहीं, फिर भी मैं जानते
तुम तीन में से वो कोई एक, लेकिन कौन नहीं जानते। देरे, दुनिया के लिए मैं राक्षस, राक्षस, पर जानते मुझसे भी बड़ा कोई राक्षस था। ए चिनू, रावण का नाम सुना ना तू? मरने के बाद जब मैं ऊपर जाएगा वो मेरे को पूछेगा क्या बे, मैं दूसरे की घरवाली को उठा के लाया और तू अपनी को नहीं बचा सका? नहीं बचा सके? मैं जानता तुम तीन में से एक वो आरामी, बाकी दो नहीं। जो आरामी वो रावण को मेरा सलाम बोलना, बाकी दो मेरे को माफ कर देना। देख इसे, वीरप्पन से बड़ा जानवर है, एक बार मारता है ना तो मरता ही जाता है, बता दे तू। मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तुझे कुछ नहीं पता है? पता कहाँ छुपा है वीरप्पन जंगल में, बोल। मुझे कुछ नहीं। इधर पेट पे चांटा, गर्ल पे चांटा मारने से सौगुना दर्द होता है, और एक ही जगह लगातार मारो तो अंदर की आंख फट जाती है, और एक बार अंदर की आंख फटी तो बस। व्हाट्स हैपनिंग है? मिनट में सर, क्या हो रहा है? हो शिक शशि इज मुत्तुलक्ष्मी, वीरप्पन वाइफ। क्या चार्जेस है इस पे? नो सर, एक्चुअली वीरप्पन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं। पर दिस इज इलीगल, छोड़ो इसे अभी। सॉरी मतलब लक्ष्मी, ये लोग तुम्हें गलती से डिटेन कर रहे हैं, तुम जा सकती हो। भेजो इसे। दिनेश हमारे सबसे बेहतरीन ऑफिसर्स में से थे, मैं समझ सकता हूँ उनकी बीवी होने के नाते आप पे क्या गुजर रही होगी। दिनेश के साथ उसने आज तक 87 पुलिस वालों को मार दिया। खैर, जो राक्षस खुद अपनी बेटी को मार सकता है और उससे हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? अपनी बेटी को? हाँ, कुछ महीने पहले एक टास्क फोर्स टीम ने उसे घेर लिया। डर से कि उसकी बेटी के रोने की आवाज फोर्स तक ना पहुंच जाए, वीरप्पन ने उसे आई होप दैट बास्टर्ड गेट्स किल्ड। उसमें क्या आप हमारी मदद करेंगे? मदद? वीरप्पन की बीवी मुत्तुलक्ष्मी रहने के लिए एक घर ढूंढ रही है। हम एक रियल एस्टेट ब्रोकर की मदद लेकर आपको एक घर का ओनर बनाना चाहते हैं, और आप मुत्तुलक्ष्मी को एक पेइंग गेस्ट बनाएंगे और धीरे धीरे मुत्तुलक्ष्मी का ट्रस्ट हासिल करेंगे। उसे दोस्त बनाकर वीरप्पन की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। You mean like a spy? Yes. जिसके हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड को मारा है, आप मुझे उसके साथ फ्रेंडशिप करने को कह रहे हैं? बदला लेने के लिए आपके पास रीजन है, जिस वजह से मैं आपके पास आया हूं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहोगे तो ठीक है, नो डाउट इसमें काफी रिस्क है। I'll do it.
क्या मैं तुम्हें लक्ष्मी बुला सकती हूँ? क्यों नहीं, मैं अंग्रेज नहीं हूँ, इंडियन भी नहीं हूँ। मेरा नाम श्रिया है। मेरे डैड इंडियन हैं और मॉम ब्रिटिश थी। मेरे हस्बैंड सिंगापुर में जॉब करते हैं और मैं यहाँ के कपड़े पर एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। मेरा वो दुबई में कारपेंटर है। What? Dubai? Oh, it's such a wonderful city, isn't it? मैं तो कभी गई नहीं हूँ। लक्ष्मी, how can you have not gone to Dubai? लक्ष्मी का नाम है सोना बहुत अच्छा, मतलब। दीदी, ये क्या लिखा है? अरे वो वीरप्पन है ना, वो मरने वाला है, किसी ऑफिसर ने कहा। ऐसे कैसे, उन्हें कुछ नहीं होगा? जो होगा वो होगा, हमको क्या। नहीं, कुछ नहीं होगा लेकिन। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता है। बी पेशेंट, जरूर बोलेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन बोलेगी। दीदी क्या?
क्या? मैंने आपसे झूठ कहा था। झूठ? क्या झूठ? कि मेरा वो दुबई में है। असल में मेरा वो वीरप्पन है। वीरप्पन? कौन वीरप्पन? उस दिन पेपर में फोटो था ना, वही वीरप्पन। असल में मेरे पति उसामा बिन लादेन है। You serious? तुम वैसे आदमी के? नहीं नहीं दीदी, वो वैसा आदमी नहीं है जैसा पुलिस और प्रेस वाले कहते हैं। पता है दीदी, पुलिस कितना झूठ बोलती है। वो खुद ही नकली एनकाउंटर करती है और कहते हैं कि वीरप्पन ने मारा। अपनी बेटी को बचाने के लिए भाग रहे थे, पत्थर से पैर टकरा गया और बेटी हाथ से फिसल गई। उसके सर पे पत्थर लग गया, उन्होंने नहीं मारा। ऐसा नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा अपनी बीवी को? पर सच क्या है हमें भी क्या पता। सच क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, बट ये बात बिल्कुल सच है, जिस रास्ते पे वो चल रहा है उसी की वजह से उसकी बेटी की मौत हुई, और दिनेश की मौत भी तो उतना ही बड़ा सच है। मैं समझ सकता हूँ कि आप भी थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारते गुजारते इमोशनली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। यू नीड टू गेट बैक। दीदी आप बहुत देर से चुप हैं। लक्ष्मी थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ। एक्चुअली मुझे पैसों की जरूरत है, बैंक लोन है। अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं गया तो नोटिस आ जाएगा। प्लीज बुरा मत मानना, अगर तुम एक दो महीने का पैसा रेंट एडवांस दे दो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तब तक मेरे हस्बैंड का पैसा भी आ जाएगा। उतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं है दीदी, पर आपको ठीक लगे तो एक रास्ता है। क्या? मुझे पैसा चाहिए ऐसा कह के उनको एक मैसेज भेज देती हूँ।
वो पैसा लेकर जरूर आएंगे, मुझसे मिलना भी चाहते हैं। पर ऐसी जगह की जरूरत है जहां पुलिस का डर ना हो। आप अगर मुझे उनसे मिलने में मेरी मदद कर दो तो मैं आपका पैसा भी दे दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पैसों के लिए नहीं, तुम्हारी और मेरी दोस्ती के लिए। मेरी एक फ्रेंड है जो US में रहती है, उसका एक फार्म हाउस है यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में। वहाँ कोई नहीं रहता, बस एक केयरटेकर, कुछ लेबर्स, दैट्स इट। वहाँ इनको बुलाना ठीक रहेगा? ओके, लेट्स डू वन थिंग कि हम वहाँ चलते हैं, घर देख लेते हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो वहाँ मैसेज भेज के उनको बुला लेना, अगर ठीक नहीं लगे फिर सोचते हैं। जगह तो ठीक है पर ये सब लोग, हमारा काम कैसे होगा? ये सब वर्कर्स शाम को घर चले जाते हैं, रात को हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा। एक श्रेया दीदी है, उनके साथ रहती हूँ। हाँ, बहुत अच्छी है, मेरी बहुत मदद करती है वो। उनको घर का भाड़ा देने के लिए मुझे पैसे चाहिए जल्द से जल्द। जंगल में कॉफी के बगान के पास एक पीले रंग का बहुत बड़ा घर है, मैं वहां आपका इंतजार कर रही हूँ। और यहाँ पुलिस का बिल्कुल डर नहीं है। ये घर श्रेया दीदी के दोस्त का है, आप पैसा लेकर जितना जल्द हो सके यहाँ आ जाओ। Thank you.
अरे गोविंदन, यार मानना पड़ेगा प्रभाकरण जी को, क्या आदमी है यार, साला पांव छूने का मन करता है उनका। कौन प्रभाकरण? अबे साले, कौन प्रभाकरण बोलता है, LTTE टेररिस्ट प्रभाकरण। आपको जो सोचना है सोचो, आप उसे कम थोड़ी है जो उसका तारीफ करता है। अबे दिमाग उठ गया है क्या तेरा, जब मेरा बराबरी उनके साथ करता है, वो उधर श्रीलंका में बैठकर पूरा इंडिया हिला रहा है, हम इधर छोटा मोटा पुलिस वाले को मारते हैं। और ऐसा सुना है प्रभाकरण ने राजीव गांधी को उड़ा दिया। बस बस एक बार उनसे मिलना हो गया ना, फिर देख अपना पूरा गैंग का किस्मत बदल जाएगा। अभी तक क्या मिला, अभी तक हमको क्या मिला? सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप किया, 9 करोड़ मुनाफा, 9 करोड़। मेरे को क्या मिला? 7 लाख। अरे कुत्ते का दिन आता है, उनका भी आएगा, जब शेर इनकी अतड़िया निकाल कर गीदड़ों को खिलाएगा, तब पता चलेगा इनको कौन है वीरप्पन। अन्ना, मुत्तू लक्ष्मी जी ने आपके लिए कैसेट भेजा है। मैं अच्छी हूँ, मैंने घर बदल लिया है, एक श्रेया दीदी है उनके साथ रहती हूँ, बहुत अच्छी है। उनको घर का भाड़ा देने के लिए मुझे पैसे चाहिए, जल्द से जल्द। जंगल में कॉफी के बगान के पास एक पीले रंग का बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ। अन्ना, मुझे कुछ बोलना है। मुद्दलक्ष्मी, मैं नहीं आ सकता, ये सब एसटीएफ की चाल है। तुमने जो श्रेया के बारे में बताया, वो एसटीएफ की जासूस है, हमारी हर बात वो एसटीएफ तक पहुंचाती है। हमारे रूम में कैमरा और माइक लगा के रखे हैं ये लोग, तुम निकल जाओ वहां से, मैं नहीं आने वाला। उसे पता चल गया कि तुम पुलिस की तरफ से काम कर रही हो। लक्ष्मी, ये जोक सुनने लायक है। क्या हुआ? उन्होंने मैसेज भेजा है कि तुम पुलिस की जासूस हो। इनफ मुथु लक्ष्मी, इनफ। मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम्हें मुझ पर ही शक? मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ और फिर भी तुम मुझ पर ही डाउट कर रही हो? दीदी, 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 शक मुझे नहीं है, शक उनको है, वो गलत भी तो हो सकते हैं। आप ये समझ जाओ कि उनको सब पे डाउट करना पड़ता है, क्या पता कब कौन कैसे धोखा दे दे। मैं दिल से जानती हूं कि तुम पुलिस वाली नहीं हो, पूरा मत मानो। अब क्या करना है? उन्होंने कहा है कि वो नहीं आएंगे, अब रुकने का क्या फायदा? उनके पहुंचने से पहले सारे कैमरास और माइक निकाल दो। ऑपरेशन कैंसिल हो गया, वीरप्पन नहीं आ रहा है। टेल एवरीवन टू रिलैक्स। राइट सर। टीम, टेक इट इजी, रिलैक्स। आरपीजी।
मुझे अभी भी शक था तुम पर दीदी, इसलिए चेक कर रही थी। लक्ष्मी, डाउट में रहने से बेटर है कि तुम दूसरा घर देख लो। ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है कि तुम मुझ पे डाउट करती रहो। प्लीज तुम निकल जाओ। दीदी, दीदी, बस जाओ। दीदी, दीदी मेरी बात सुनो। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं यहीं रहूंगी। आप समझ सकती हो मैं कितनी घबराहट में हूँ। दीदी तुम मुझे माफ कर दो। दीदी मुझे माफ कर दो। अब मैं मीडिया से क्या बोलूं? हमने वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में हमें कम, वीरप्पन को ज्यादा पता था। हाँ, योर सो कॉल्ड फूल प्रूफ प्लान इटसेल्फ इज ए प्रूफ कि सबसे बड़े फूल हम हैं। सर, जो हो गया सो हो गया। अब आप मीडिया से ये कहेंगे कि वीरप्पन रैंसम के लिए फार्म ओनर को किडनैप करने आया, हमें इन्फॉर्मेशन मिली और हम बचाने गए, उस चक्कर में हमने उनके 3 आदमियों को मारा और हमारे 5 जवान शहीद हो गए। ये झूठ बोलना हमारी इज्जत बचाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अगले प्लान की जरूरत है। तुम्हारा जो भी अगला प्लान होगा, लेकिन उसका क्या, जिसने वीरप्पन को श्रेया की इन्फॉर्मेशन लीकी है? सर, उसका पता चल चुका है। वीरप्पन से मिलने के प्लान में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती तो इतने लोग नहीं मरते। गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पर। लेकिन दीदी, वहां पुलिस कैसे पहुंची? हम लोग वहां मिल रहे हैं। ये सिर्फ मुझे, आपको और वीरप्पन को पता था, फिर पुलिस को कैसे पता चला? तुम्हें फिर लग रहा है कि मैंने बताया? सी लक्ष्मी, वीरप्पन को पकड़ने के लिए जंगल में बहुत सारी पुलिस यूनिट है, किसी को भी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मुझे क्या पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि इतने सारे लोग मारे गए। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे भी कहां पता था कि ऐसा होगा। से देख, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तू मुझसे गद्दारी करेगा। मैंने तुझे गोली इसलिए मारी क्योंकि मैं धमकी देके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चल अब बता, वीरप्पन का और तेरा कांटेक्ट क्या है? तू उन 4 में से एक है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, और सबका बैकग्राउंड चेक करने के बाद मुझे शक नहीं, यकीन हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी इंटेलिजेंस का मजाक मत उड़ाना। तुझे पहचानने में ऐसी देरी हो चुकी है, और अगर तू सच बताएगा तो मैं वापस जाके ये कहूँगा कि वीरप्पन ने हम पे हमला किया और तू उसमें घायल हो गया। तू हीरो बन जाएगा, और अगर तू सच नहीं बताएगा तो मेरी कहानी में थोड़ा सा चेंज होगा कि तू उस हमले में मारा गया। अब तू डिसाइड कर, शहीद बनना है या घायल। मैं तुझे मारूंगा नहीं, बहुत सारे जख्म दूंगा, और मेरे सवाल के बाद तेरे जवाब के लिए सिर्फ 2 गिनूंगा। बता तेरा कॉन्टैक्ट कौन है? तो गांधी, उसका नाम गांधी। गांधी कौन? एक टेररिस्ट। व्हाट मीन शशि एक टेररिस्ट के साथ? शशि के फादर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था और वो उससे इन्फ्लुएंस हो गया। सो यू मीन टू से कि हमारी फोर्स में एक टेररिस्ट सिंपथाइजर काम कर? बट दैट्स अनबिलीवेबल। व्हाट इज अनबिलीवेबल? इंदिरा गांधी को खुद उसके बॉडीगार्ड ने मारा, कुछ भी हो सकता है। शशि का क्या होगा? आई के पे।
703 की चाबी प्लीज। मुझे पता है कि तुम टेररिस्ट लोग है ना, तर्ज सेने की ट्रेनिंग लेते हो, इसलिए मैंने बिना दर्द के इंटरोगेशन सोचा है। आप ये नहीं देख पाएंगे। यहां काम कर रही हूं तो सब कुछ सीखना ठीक है ना? ये वो इंजेक्शन है जिसके देने से इसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जब तक हम इसको एंटीडोट नहीं देते इसका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि हार्ट और वेन्स का प्रेशर में फट जाएगा और ये मर जाएगा। नहीं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये कब मरने वाला है? इसके स्किन कलर में चेंज, इसके सांस लेने का तरीका,
इसके आंखों के चलने की स्पीड से पता चल जाएगा। अब थोड़ी देर में बॉडी को कंट्रोल करने में इसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाएगा। लेकिन सर, ऐसा करना जरूरी है। हाँ, मेरा काम है वीरप्पन को मारना। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, किसी को भी मारूंगा, तुझे भी, और जरूरत पड़ने तो अपने आप को भी। कहाँ थे हम? हाँ, नर्वस सिस्टम फेल होने के बारे में कह रहे थे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अब इसके पास सिर्फ एक ही मिनट है। अब तेरे पास कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, बता वरना एंटीडोट सिरिंज फोड़ दूंगा। मेरे पास एक ही है मेरे पास। बताता हूँ फिल्म स्टार राजकुमार को किडनैप करने का आइडिया हमने दिया था मेरे पास। यानी तू टेररिस्ट। अब तुझे मैं थोड़ा सा एंटीडोट और दूंगा ताकि तेरे जिंदगी में 5 मिनट और बढ़े। वो इसलिए अगर मैं इसे पूरा दे दूंगा तो ये चुप हो जाएगा और यहाँ से छूटने का रास्ता सोचना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे तू मुझे इन्फॉर्मेशन देता रहेगा वैसे वैसे तेरी ज़िंदगी में 5-5 मिनट और बढ़ते जाएंगे, और जब तू इन्फॉर्मेशन मुझे पूरी तरह दे देगा तब मैं तुझे तेरी पूरी ज़िंदगी दे दूँगा। अब बताओ उसके बाद क्या हुआ? मैंने सुना तुम्हारे ग्रुप और वीरप्पन के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ। हाँ, हमारे ग्रुप वालों ने वीरप्पन को धोखा दिया। उस किडनैपिंग में वीरप्पन को ज़्यादा पैसे तो नहीं मिले, पर उसे आइडिया अच्छा लगा, लेकिन उसके पास काबिल आदमी नहीं थे। और फिर इस आइडिया पे चलते हुए अब वो ये प्लान कर रहा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस को किडनैप करेगा। कैसे? जैसे रजनीकांत, कंची स्वामी और पॉलिटिशियंस वगैरह। तो फिर क्यों नहीं कर रहा है वो? पैसों की कमी है, उसे उसके लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग चाहिए जिनके लिए वो सिटी में कॉन्टैक्ट कर रहा है, और AK-47 जैसे एडवांस वेपन्स चाहिए उसको, उसे पाने के लिए वो तरस रहा है। नए लोग कहाँ से ला रहे हैं? उसका एक आदमी है जेल में, जॉन, जिसे वो कॉन्टैक्ट करके अपनी एक टीम बना रहा है। वो किससे मिला वहाँ? वो मदानी है ना। मदानी? हाँ। वो अंडरवर्ल्ड डॉन। वो उसके आदमी को जेल में वो उनसे कॉन्टैक्ट कर रहा है ताकि पूरी बात हो जाए। प्लीज, प्लीज। सब कुछ तो बता दिया, दे दो ना प्लीज। मैंने तुझसे झूठ बोला, तूने जिस माँ को मारा उस बच्चे का बदला। मेरे लोग कहाँ? मेरे लोग तेरे लोगों का ख्याल रख रहे हैं। तू 20-25 लोगों को मार चुका है, फिर भी मौत से डरता है। क्या क्या चाहिए तुम्हें? हम दोनों को पता है तू क्या करता है। कुछ साल पहले जब मैं तेरे एरिया में काम करता था, तुझे अंदर नहीं डाल पाया क्योंकि तू कोई प्रूफ नहीं छोड़ता है, और वर्दी की रिस्ट्रिक्शन भी थी। लेकिन अब मैं एक स्पेशल टीम के लिए काम करता हूँ जिसको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं अरेस्ट नहीं करता, सिर्फ मार देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ तुझे मारने नहीं आया हूँ। फिलहाल मेरा टारगेट सिर्फ वीरप्पन है। मुझे पता है कि वीरप्पन का एक आदमी तेरे आदमी से मिला, इसलिए क्योंकि उसे कुछ आदमियों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ तू वो आदमी उसको दे जो मेरे होंगे। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ हाँ बोलना। डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छी खासी रकम मिला, और ऊपर से वीरप्पन से जो मिलेगा वो अलग, दोनों तरफ से पैसा, वो भी बिना किसी रिस्क से। अगर तूने ये ऑफर रिजेक्ट किया तो तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, और इस दुनिया में बेवकूफ़ों और खूनियों को जीने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन
आप भी तो खूनी हो। लेकिन मैं इसलिए मारता हूं कि मैं मारने वालों को सिखा सकूं कि मारना गलत है। साया इसका साया कफन है, इसमें जिंदा गोद दफन है, नाश करेगा विनाश करेगा, सर की सबका नाश करेगा, सबका नाश करेगा। राजकुमार को किडनैप किया, अच्छा आइडिया, फुल इंडिया फेमस, लेकिन पैसा नहीं बना पाया, गलत लोग पे भरोसा किया और धोखा खाया। अगली बार ऐसा नहीं होगा। क्या है कि बड़े बड़े लोगों को किडनैप करने का ये आइडिया मेरे को जमा, लेकिन उसके लिए बेहतर गन्स और ज़्यादा लोग चाहिए। सिर्फ ये लोग काफ़ी नहीं, मुझे कम से कम 20 लोग चाहिए। और ये काम के लिए तुम्हारा बॉस मदानी मेरे को अच्छा आदमी लगा। मदानी साहब ये काम के लिए बहुत खुश होंगे, और वो ऐसा ही एक मौके की तलाश में है। आइडिया ये है कि 4 से 5 टीम बनाना होगा, और उनको चेन्नई, बेंगलोर, कोयम्बतूर भेजकर रजनीकांत, कंची स्वामी और कुछ मिनिस्टरों को किडनैप करके गवर्नमेंट को गिरा दूंगा और इंटरनेशनल फेमस हो जाऊंगा। अन्ना समझ गया। तुम 3 लोग मदानी साहब से मिलके लोगों को इकट्ठा करके परसों दोपहर तक गुड़ीमेट ला जाओ। क्या ठीक है? मैं इधर से वीरप्पन अन्ना को लेकर उधर आ जाऊंगा। क्या ना?
नीचे रखो, बंदूक नीचे नीचे रखो, नहीं तो मार दूंगा। हाथ ऊपर उठाओ। मेरे को उल्लू समझे ना, लेकिन मैं जानता कि ये चाल था, इसीलिए अपना चाल चलाया मैं। बीवी को उल्लू बनाया ना वो साला औरत से दोस्ती करवा के, अब देख मैं तेरे को और तेरे इन पुलिस के कुत्तों को जंगल में लेके जाऊंगा, पैसा मांगूंगा और पैसे मिलते ही तुम सबका सर काट दूंगा। चल चल पीछे चल। कितनी बार खाऊं मैं धोखा, बिना बुलेट का ये खाली बंदूक क्या करूं इसका। उस साले ऑफिसर के मैं टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझे अभी बहुत सारे ऐसे गन चाहिए। गोविंदन, एक बार मुझे ऐसे गन मिल जाए अल्लाह मचा देगा मैं। पुलिस तो क्या, साला पूरा गवर्नमेंट को उड़ा देगा। सोचा कि मैं अपने पिछले ऑफिसरों से बेहतर हूं, मेरे गलत डिसीजन की वजह से इतने सारे लोग मारे गए। अब मैं भी वीरप्पन को मारने वालों की फेलियर लिस्ट में शामिल हो चुका हूं। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। नो, कहते हैं एक युद्ध जीतने के लिए कभी कभी छोटी छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं हार चुका हूं। आपको जीतना है उन लोगों के लिए जिन्हें वीरप्पन आगे मारने वाला है। उनका मैसेज आया है, बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अगर ये काम हो गया तो खूब पैसा होगा और मैं आराम से उनके साथ रह सकूंगी।
मात्र झूठ बोली मैं कि मैं आपके साथ नहीं हूं। क्या हो सकता है? उसे भी नहीं पता है। अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीरप्पन का गन सप्लायर होने के सस्पेशन में किसी दूसरी टीम ने एक आदमी को अरेस्ट किया। मैंने उस टीम को वो आदमी तुम्हारी कस्टडी में देने का ऑर्डर दे दिया। बता से मिला हूं। किस लिए? उसका AK-47 गन चाहिए, उसको मैं अरेंज करा रहा हूं। हाँ। पागल हो गया तुम? AK-47 गन्स उसके हाथ में दे दे, उसने उससे भी बड़ा हमला किया तो समझते क्या तुम? जो हमारे ऊपर बैठे हैं उनको पता चला तो तुम्हारे साथ साथ मेरी गर्दन भी कटेगी। इट्स डैम रिस्की। सर हर डिसीजन में रिस्क है। ये मुमकिन है कि वो ऐसा कर सकता है, मगर मेरा मानना है कि ये वो तब तक नहीं करेगा जब तक उसे वो आदमी नहीं मिल जाता, और तब तक उसके लिए बहुत देर हो जाएगी। हमारे पास ये एक ही मौका है उसे फंसाने का। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि पुलिस वाले उसे AK-47 गन्स देंगे, इसलिए वो 100% ट्रस्ट करेगा। बट स्टिल इट्स रिस्की, इट्स वेरी वेरी रिस्की। सर वीरप्पन के मामले में कुछ नहीं करना भी एक रिस्क है। ये बात सिर्फ आप, मैं और कुमार जानेंगे। कुमार? एमटी कुमार, वही जिसे 3 साल पहले हमारे डिपार्टमेंट ने सस्पेंड किया था। सच में पागल हो गया? वो बास्टर्ड यही समझता था कि उसके सस्पेंशन में तुम्हारा हाथ है। हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम? उस पर ट्रस्ट का सवाल नहीं है सर, मैं बस उसकी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ओके, तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं और मैंने कुछ सुना नहीं। मैंने क्या कहा? काम से आया हूँ। वो तो मैं समझ गया, वरना जिसको तुमने सस्पेंड कराया हो उसे हेलो करने तो नहीं आओगे? मैंने सस्पेंड नहीं कराया, सस्पेंड होने से बचा नहीं पाया। लेकिन जो भी किया दुश्मनों जैसा किया। सुबह का एनकाउंटर किया तुमने, ये जानते हुए कि उसके भाई से सुबह को बचाने के लिए मैंने पैसे लिए थे, ये तो लग गए ना। सुबह एक हार्डकोर क्रिमिनल था, 5 लेबर को उसने अपनी फैक्ट्री के फर्नेस में जलाकर मारा। उसको मारना एकदम सही था। फिलहाल पुरानी बातें छोड़ो यार, तुमसे तुम्हें बदला लेकर रहूंगा। बोलो काम क्या है? वीरप्पन को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। वीरप्पन? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी तुम्हारे पुलिस के लिए काम करूंगा? तुम पुलिस के लिए नहीं करोगे, लेकिन पैसों के लिए तो करोगे। वीरप्पन के ऊपर 50 लाख का इनाम है और 15-20 लाख मैं तुमको डिपार्टमेंट से करा दूंगा। सुन रहा हूँ। मैंने एक प्लान बनाया वीरप्पन को यकीन दिलाने के लिए, उसको आर्म्स एंड एमिनेशन सप्लाई करने का, और वो सामान तुम उस तक पहुँचाओगे।
माए क्यों? शक्ल और अकल से अब तुम पुलिस वाले नहीं लगते, और वीरप्पन के एरिया में तुमने काम भी नहीं किया, इसलिए पहचान का भी कोई डर नहीं है। और फिर ये हाई रिस्क ऑपरेशन है जो मैं इलीगली अपने जिम्मेदारी में कर रहा हूँ। अगर डिपार्टमेंट के किसी आदमी को लिया तो बात लीक हो सकती है, जिसका रिजल्ट मेरे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, भले ही हमारी दुश्मनी क्यों ना हो, मैं आज भी तुम्हारे दिमाग और जजमेंट का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब बताओ करना क्या है? कॉन्टैक्ट से ये बोलना है कि तू किसी वजह से जंगल में जा नहीं सकता, और AK-47 राइफल्स लेके ये तेरा आदमी कुमार जंगल में जाएगा। वीरप्पन कभी नहीं मानेगा, हमेशा मैं जाता हूं और अचानक नया आदमी, वो कभी नहीं मानेगा। दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा। तू रेस्ट ले। अब तेरे उस कॉन्टैक्ट को तेरा ये टूटा हुआ पैर दिखाना और बोलना कि बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, 4 महीने तक तू चल नहीं सकता, इसलिए AK-47 मेरा आदमी कुमार लेकर जाएगा। वो यकीन करेगा और मानेगा, क्योंकि वो जल्दी में है, वो ज़रूर मानेगा। मुझे पता है कि तुझे दर्द हो रहा है, लेकिन क्या तेरा ये दर्द उस दर्द से भी ज़्यादा है जो वीरप्पन ने कई लोगों को दिया है? सोचना, शायद दर्द कम हो जाए। बाइक एक्सीडेंट था, लॉरी बाइक से नीचे गिरा और चकला चूर कर दिया। मल्टीपल फ्रैक्चर की वजह से मैं बेड से उठ भी नहीं सकता था, इसलिए कि वीरप्पन को जल्दी है मेरे बदले में मेरा आदमी वो आएगा, जितना मेरा है उतना उसका भी है, और वीरप्पन ने जो मांगा है वो रेडी है।
दोनों साथ मिलकर काम करते हैं मुगिलन के लिए। मुगिलन? मुगिलन मेन सप्लायर। मुगिलन ने कहा गवाह नहीं छोड़ने का। कैसा लगा खाना? सुपर। ये मुगिलन कौन है? प्रभाकरण के करीब, बहुत खास है। प्रभाकरण? कौन प्रभाकरण? LTT वेलुपल्ली प्रभाकरण। प्रभाकरण? प्रभाकरण आदमी कैसा है? एक बात कहूं, एक बार मैं मुगिलन और प्रभाकरण के साथ खाना खा रहा था। प्रभाकरण आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या मतलब, क्या कहा? एक अकेला आदमी बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया में इतना बड़ा धूम मचा रहा है। अरे यार, उन्होंने कहा कि आप उनसे भी ज्यादा मशहूर। नहीं 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 नहीं, बहुत मानता हूं उनको मैं। आप जानते हैं, आप जैसा आदमी पूरे हिस्ट्री में नहीं, सब आपकी तारीफ करते। अरे आप सबकी इंस्पिरेशन है। मुगिलन ने कई बार कहा है कि आपसे हमको बहुत सीखना है। वो तो मुगिलन का बड़प्पन है। तुमसे एक बात पूछूं? क्या? क्या मैं प्रभाकरण से मिल सकता हूं? प्रभाकरण से कोई नहीं मिल सकता। पर तुमने तो कहा था कि तुम उसके साथ खाना खाते हो। आप उनसे तब मिल सकते हैं जब वो आपसे मिलना चाहते हो। वो सिर्फ मुगिलन के साथ मिलता है। उस दिन मैं मुगिलन के साथ था। प्रभाकरण से किसी भी वक्त मिलने वाला एक ही आदमी, मुगिलन। तो फिर मुगिलन से बात कर सकते हैं? ट्राई कर सकता हूं, मगर भरोसा नहीं दे सकता। यहां पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। किस पे भरोसा करे, किस पे ना करे, कुछ समझ में नहीं आता। अगर एक बार मेरा आइडिया वहां पहुंच गया तो इंतजाम पक्का, पार्टनरशिप पक्की। वो मेरे लिए कुछ कर सकता है और मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं। सुनने में तो अच्छा लगा। पहले मैं मुगिलन से बात करके देखता हूं कि वो आपके दरखास्त के बारे में कुछ कर सकता है कि नहीं। डोंट शूट, आई नो तेरा रिस्पांस टाइम में से अच्छा। गुड न्यूज और बैड न्यूज वीरपन के लिए, और गुड न्यूज हमारे लिए।
मिस्टर मुगिलन, मिस्टर वीरप्पन को एलटीटी चीफ मिस्टर प्रभाकरन से मिलना है। कैसे यकीन कर ले कि हम उसे जाल में फंसा रहे हैं या वो हमें? इस बार हम उसे फंसा रहे हैं। ऐसा यकीन उसने हर बार दिलाया और उस यकीन पे यकीन करके हमारे बहुत लोग मारे गए। तब तुम्हारे पास कुमार नहीं था। तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ कुमार। थैंक यू। तो फिर हम वीरप्पन को 18 अक्टूबर को मारेंगे। वही मुहूर्त क्यों? वीरप्पन भी यही सवाल करेगा। तुम्हें उसे कहना है कि ये डेट मुगिलन साहब को खुद प्रभाकरन ने दी है। 18 अक्टूबर को इंडियन नेवी का मंथली ड्रिल कंडक्ट हो रहा है। सिक्योरिटी वेसल्स को उससे दूर होंगे, इसलिए हमारी बोट्स को रूट क्लियर मिल जाएगा। लेकिन तब क्यों? उसे मारने के लिए प्रिपरेशन का वक्त मिलेगा। तुम बहुत लकी हो। मुगिलन ने प्रभाकरन जी को आपसे मिलवाने को राजी कर दिया। बहुत बढ़िया खबर है। कब मिलना है आपको? 18 अक्टूबर की रात को यहां से निकलना होगा। मुगिलन आपके लिए गाड़ी अरेंज किया है जो एम्बुलेंस के जैसे दिखेगा, और उसके साथ उनके दो आदमी भी होंगे। आपको वो समुंदर के पास ले जाएंगे जहां से फिर प्रभाकरन जी के लोग पिकअप करेंगे। 18 अक्टूबर को ही क्यों? इंडियन नेवी 19 तारीख को वहां पे नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है, जिसके वजह से कोस्ट गार्ड शिप्स किनारा छोड़ के जाएंगे। सिक्योरिटी तो कम ही होगा। हाँ, और एक बार आपके साथ मुगिलन भी आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। एक और बात, मुगिलन ने कहा कि आपको आपकी मूछें निकालनी पड़ेगी। मेरा मूछ? ताकि आपको कोई पहचान न सके। ये तो आपको करना ही होगा, मुगिलन ने तो कहा। ठीक है। वैसे भी मुगिलन से बेहतर कौन जाने। का सामान है, रास्ते में काम आएगा। थैंक यू। आपके अप्पा अच्छे हो जाएंगे दीदी, आप आराम से जाओ। पता नहीं कितने दिन गांव में मुझे लग जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना लक्ष्मी। मेरी चिंता मत करो आप दीदी, मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी, बात पूछूं? तुम्हें डर नहीं लगता?
तुम्हारे पति पे 50 लाख रुपए का रिवॉर्ड है, इतनी सारी पुलिस यूनिट उनके पीछे है, खतरा सर के ऊपर हमेशा रहता है, कभी कुछ हो गया तो? मैं तो हमेशा इसी डर में जीती आई हूँ दीदी। शादी तो हुई मेरी, पर रही हमेशा फितवा की तरह। न किसी से ये कह सकती हूँ कि मेरा पति नहीं है, और न ये कह सकती हूँ कि मेरा पति कौन है। बस यही मांगती हूँ कि हम वापस मिले। मैं भी यही आशा करती हूँ। लक्ष्मी, तुम्हारे पति ने हमेशा तो मुझ पे शक किया है कि मैं पुलिस की जासूस हूँ। मान लो ये सच हुआ तो? नहीं दीदी, एक बार मेरे पति भी मुझे धोखा दे सकते हैं, पर आप नहीं। कर पा रहा हूं कि तू वीरप्पन को मारने के लिए अपने ही दुश्मन को हेल्प करने को तैयार हो गया। शिकारी का शिकार करने में और भी मजा है। मैं कुछ समझा नहीं। उसका निशाना वीरप्पन और मेरा वो, मैंने अब तक उसे कुछ नहीं किया इसीलिए कि दुश्मन को खत्म करने से पहले उसकी ताकत को खत्म करना। मुझे तो पता ही है जब हम साथ में मिले हुए थे हमारे पीछे कैसे पड़ा। तू तो बच गया लेकिन मैं सस्पेंड हुआ ना। प्लान क्या था? मेरे प्लान के मुताबिक वीरप्पन के सर पे जो रिवॉर्ड है वो तो मुझे मिलेगा ही। वीरप्पन जो AK-47 गन्स के लिए पैसा देगा वो अलग। फिर ये ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैं वो जो भी गैर कानूनी काम किया, कितने लोगों को फेक इनकाउंटर में मारा, अपने खुद के ऑफिसर को कैसे खून किया, वीरप्पन जैसे खतरनाक आदमी को AK-47 दिया, ये सब चीज सबके सामने खोलूंगा। फिर डिपार्टमेंट को उसे डिसमिस तो करना ही होगा, और उसके बाद तू अपने आदमियों से उसे मरवाएगा। मेरा और तेरा बदला खला। मूछ निकालने के बाद और कितने स्मार्ट लग रहे हो तुम, कोई भी नहीं पहचान सकता आपको, कोई भी नहीं। ये शर्वानंद और ये वेलर, ये दोनों मुगिलन के पर्सनल, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ये दोनों आपको बचा ले। चलो अरे यार चलो गाड़ी निकाल, चलो चलो जल्दी कर। ना सब कुछ ठीक है ना? All the best. Safe journey. Bye. Bye.
सर मैं बताना भूल गया, कुमार एक फायर एक्सीडेंट में मर गया। What? Yes. तुम तो वीरप्पन से बड़े राक्षस निकले। सबसे बड़े राक्षस को मारने के लिए उससे भी बड़ा राक्षस बनना जरूरी है।